शहर में महावीर स्थान के पास स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक टेम्पू में ट्रक ने मारी टक्कर। इस टेम्पू में कुल 9 बच्चे सवार थे, जिसमें 2 को अधिक चोटें आई। आनंद फानंद में इन 2 बच्चों को परिजन लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक नदारद मिले। चिकित्सकों के मौजूद नहीं रहने पर परिजनों ने खूब नाराजगी जताई। सभी बच्चे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हरटोली के छात्र हैं। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। आपके बच्चे के साथ भाई यार ट्रक वाला मार दिया इसको ऑटो वालों को और फिर उलट गया था ऑटो, एकदम उलट गया था ऐसे, ठीक है उलट गया था। तो फिर बच्चा को हम लोग घीच घीच के सबको निकाले, फिर रो रहा था सारा बच्चा। कुछ बच्चा को हम लोग घर भेज दिए, कुछ बच्चे 3 बच्चे बचे, 3 बच्चे को हम लोग स्कूल भेज दिए और सर 2 बच्चे को हम लोग लेके। कौन स्कूल के बच्चे? ये सरस्वती मंदिर का है ना, सरस्वती शिशु मंदिर। कहां पर घटना घटी है? ये महावीर स्थान मंदिर के लगे। अब कितने बच्चे थे ये सब हमको कुछ नहीं पता। और कितने बच्चों को निकाले हम लोग? 2-3 बच्चे को निकाले और सब सब लोग बुला लीजिए। अभी मैं अनिल राणा बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे को चोट लगा है तो मैंने हॉस्पिटल लेके आया तो एक डॉक्टर थे तो वो देखे, बोले कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। अब बच्चे रो रहे हैं और वो मतलब उसको दर्द भी कर रहा है, और जो भी यहाँ का जो स्टाफ लोग है वो मतलब कि कुछ भी नहीं, वो कुछ कर रहे हैं। और अच्छा डॉक्टर का नाम भी पूछ रहे तो नाम नहीं बता रहे। दूसरा चीज की जब हम वो बोले कि पर्ची बनाने के लिए, वो देखिए ये पर्ची है, उसके बाद जब पर्ची बनाए तो उसके बाद डॉक्टर गायब है। तो यहाँ पे क्या सुविधा है हम लोग को? ये कोई यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैं माननीय श्री मनीष जायसवाल से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में हम लोग को ये एथी किया जाए, कार्रवाई किया जाए। अभी मेरे बच्चे को चोट लगा, कल के डेट में कुछ भी हो जाएगा तो ये तो हम लोग का फिर कोई एथी नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। बच्चे को चोट लगा है तो माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो ये मेरा अनुरोध है कि आप ये चीज को एथी कीजिए। और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, अभी तक नहीं। और जो स्टाफ से यहाँ पे पूछा जा रहा है वो डॉक्टर का भी नाम बता रहे तो नाम नहीं बता पा रहा है। मेरा घर यहीं पे है, बगल में ही है, ओकनी में ही है। हम लोग कोई दूर का नहीं है, करीब का ही है। लेकिन हम लोग और भी देखते हैं, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन हम लोग के साथ घटना घटा ये हम लोग को अच्छा नहीं लगा, बस यही बोलना चाह रहा हूँ। और ये अभी हम लोग को डॉक्टर से अभी कोई एथी नहीं मिला। देखिए यहाँ पे पर्ची है, घटना घटी आपकी यहाँ पर। एक ट्रांसपोर्ट वाला महावीर स्थान चौक पे मंदिर पे एक टेम्पू वाला को धक्का मार दिया, जिसमें कि उस टेम्पू में 10 से 12 बच्चियां बैठी हुई थी जिनमें उनको सब जख्मी हो गई। और गलती इस ट्रक वाला का ही है, ताकि ये उधर से आ रहा था, टेम्पो वाला धीरे जा रहा था। और सदर थाना से गुजारिश है कि इनका कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि 108 पे तो मैंने डाल करके एम्बुलेंस को भेज दिया, अगर सदर थाना अभी तक गैर हाजिर है। कितना देर हो गया मामले, मतलब आधा घंटा हो चुका है अभी तक सदर थाना का कोई अता पता नहीं, जबकि मैंने कॉल भी किया सदर थाना में, वहाँ पर फ़ोन रिसीव ही नहीं हो रहा। और एम्बुलेंस वाले 108 तुरंत आए, तुरंत लेके चले गए बच्चे को। और ड्राइवर के द्वारा क्या कहा जा रहा है? ट्रक ड्राइवर का कहना है कि मेरी गलती नहीं थी, जबकि चौक पे जितने भी लोग मौजूद थे, गलती इस ट्रक ड्राइवर का ही है, क्योंकि हम लोग चौकी पे ही मौजूद थे। ट्रक ड्राइवर के द्वारा अपनी गलती की और दूसरे के मत से मारा जा रहा है, ये टेम्पो वाला का ही दोस्त था? नहीं, गलती था इस ट्रक ड्राइवर का, क्योंकि हम लोग चौक पे ही मौजूद थे। और बाकी हम लोग का कैमरा रिकॉर्डिंग ऑनलाइन 24 घंटा चलते रहता है मंदिर का, क्योंकि मेरे पास फुटेज उसका मौजूद है। क्या परिचय हुआ आपका? गुंजन गुप्ता, महावीर स्थान चौक, महावीर मंदिर समिति। कहाँ से आ रहा था? सूरज कंपनी हजारीबाग में। हाँ। मोहल्ले में? मोहल्ला तो मुझे मालूम नहीं। क्या लेके आया था? फॉर्चून लेके आया था। कहाँ खाली किया? हजारीबाग में। कौन मोहल्ला? मोहल्ले का नाम पता नहीं। अच्छा, तो ये कैसे जा रहा था इधर, कहाँ से? सीधा निकल के जा रहा था, टेम्पो वहीं साइड से आया, एकदम आगे लग गया गाड़ी, सीधा निकल के आ रहा था मैं। हाँ। तो एकदम जब इस टेम्पो तेज गया ना, तो एकदम आगे इसमें लग गया। कितने बच्चों को चोट लगा है? मैम तो देखा नहीं कितने को लगा, एकदम गाड़ी आगे बढ़ा दिया ना मुझे। तो गाड़ी किन का है? गाड़ी तो यूपी का, यूपी की गाड़ी है। और यहाँ मैंने किनके यहाँ पहुँचा दिया? सूरज कंपनी कहाँ पे है ये? हजारीबाग। कौन मोहल्ला? मोहल्ले का तो नाम मुझे मालूम नहीं ना, कौन सा, मैं तो बाहर का हूँ। मेरा क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुनासिब। मोहम्मद मुनासिब। घर यूपी, उत्तर प्रदेश में रहता हुआ। तो किस ढंग से गाड़ी चला रहा था जो बच्चों को चोट लगी? अंकल मैं गाड़ी आराम से चला रहा था, टेम्पो आ रहा तेज आया आके जब लगाया मेरी गाड़ी। हाँ सर, कहने का मतलब हमारे बच्चों लोग का एक्सीडेंट हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ इमरजेंसी में। और नया वाला बिल्डिंग में अगर ये लोग रेफर करता है कि जाइए वहाँ पे मेल वार्ड में, वहाँ पे केवल 2 नर्स रहते हैं, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं रहते, गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है सर अच्छा होना चाहिए इलाज वगैरह। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है सर, कोई भी डॉक्टर नहीं है इमरजेंसी बैठे हुए। और यहाँ तो यहाँ है, बाकी नया वाला बिल्डिंग में अगर कोई डॉक्टर रात को अगर जाता है तो कोई डॉक्टर रात को भी नहीं रहता है, केवल दो नर्सें रहती है, नर्स लोगों का गलती नहीं है, डॉक्टर होना चाहिए वहाँ से। ये बार ट्रांसपोर्ट से माल लेके आ रहा था, हजारीबाग रांची का माल था, उसमें भाड़ा का गाड़ी है खाली करके, गाड़ी यहाँ से खाली होके जा रहा था रांची के लिए। उस दिन रास्ता में जाते हुए उधर से टेम्पू वाला आया, इधर से भी थे, टेम्पू वाला भी सटाया, ये भी सटा गया, हल्का चोट लगा, मतलब गाड़ी में लगा उसमें चोट आया। आपकी कहाँ पर दुकान है? यहाँ अपना पति मलाकार के पास है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार सिन्हा। और ऐसे ही वो बुलाएगा। चलो चलो।